हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ को अपने एटीट्यूड के अनुसार जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी भी फीमेल को आपके साथ में समय व्यतीत करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर के बारे में जानते हैं। 2007 में निगमित इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बिजली की भौतिक डिलीवरी के लिए बिजली इकाइयों में व्यापार करने के लिए एक स्वचालित मंच और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसका मार्केट कैप यानी कि बाजार आकार 11,753 करोड़, जो कि 52 बिक्का 165 रुपया और 116 रुपया। स्टॉक पी 39.4, बुक वैल्यू 8.80 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.76%, ROCE 51.8%, ROE 39.4%, फेस वैल्यू 1 रुपया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका इंटरप्राइजेज वैल्यूएशन 11,702 करोड़ हो चुका है। 1 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो ठीक ही है, अभी कंसोलिडेट मोड में चल रहा है। अभी ये लगभग 120 और 135 के बीच में ही चलेगा शेयर कुछ दिनों तक। प्रॉन्स पॉन्स द कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। CAGR 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का 19.1% है और लास्ट 3 ईयर का ROE 43%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यानी कि डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है 48% का। कौन से कुछ खास है नहीं, बुक वैल्यू से 15 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है और वर्किंग कैपिटल जो है -343 डेज से 87 डेज पर आ चुका है। कुछ खास नहीं है, अच्छा ही है। इसका पियर्स कंपनी गुजरात गैस, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, BSE, CDSL, कैंप सर्विस है, सीला फॉर्म। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जून 2023 का 104 करोड़ का सेल्स है, 22 करोड़ का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 99 करोड़ का, लेकिन नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का। EPS 0.83 पैसे, यानी कि 83 पैसे का EPS है क्वार्टरली। प्रॉफिट लॉस लास्ट 12 मंथ का 3.33 रुपये EPS है। बैलेंस शीट देखेंगे तो इसके पास भर के 695 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी 1,204 करोड़ का हो चुका है और टोटल एसेट अगर देखेंगे तो 1,439 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कैश फ्लो माइनस में है, ये एक बैड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, सितंबर 4, 2023, ठीक, ये नोएडा में इसका मीटिंग होने वाला है जो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तो देखते हैं उसमें मीटिंग में क्या होता है, और कोई खास न्यूज है नहीं। ओके दोस्तों, इसी पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि आप अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखेंगे ताकि आपके साथ में, खास करके फीमेल को रहने में या समय व्यतीत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।